हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनके एजुकेशन में। दोस्तों, रीट एग्जाम 2021 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, क्लास को अंत तक जरूर देखें और आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पहला सवाल है, शब्द प्लस अर्थ संधि विच्छेद में कौन सा शब्द बनेगा। चार ऑप्शन हाजिर है आप सभी लोगों की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर पहला शब्दार्थ। दूसरा सवाल है, माही प्लस उर्मी का संधि रूप होगा। तो दोस्तों, चार सवाल आप लोगों के सामने, ऑप्शन चार है महर्मी महूमी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल राइट जवाब आप सभी लोगों का राइट जवाब है। दीपक जी राइट, ऑल द बेस्ट। उपयुक्त शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर दो ऑप्शन, ऊपरी प्लस उक्त। अगला सवाल है, चार नंबर सवाल है, मनोरथ में कौन सा संधि विच्छेद है। मनोरम, मनो प्लस रम, बिल्कुल राइट जवाब, मन विसर्ग रम, ऑप्शन नंबर चार। बिल्कुल सभी विद्यार्थी राइट, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप रीट 2021 की तैयारी के लिए। अगला सवाल है, पराधीन में का संधि विच्छेद किया है। पराधीन, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सोच रहे हो क्या, सोच रहे हो यार, टाइप करके बताओ हमें। बिल्कुल, पर प्लस अधीन, पराधीन राइट जवाब। कौन सी संधि है बच्चों, कौन सी संधि है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। यानी कि आपके दो यण संधि है, कौन कौन से, अति प्लस अधिक, ई प्लस अ बराबर य अत्यधिक, कौन सी संधि यण संधि। सु प्लस आगत, उ प्लस आ बराबर व स्वागत, यण संधि। यानी कि आपके दोनों यण संधि है दोस्तों, राइट जवाब बिल्कुल तीसरा। अगला सवाल है, सट प्लस आनंद शब्द में किसकी संधि होगी। सट प्लस आनंद, सड़ानंद, सड़ानंद बिल्कुल राइट जवाब। दूसरा, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, तल्लीन मतलब तत् प्लस लीन, तल्लीन। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। विसर्ग संधि की क्या विशेषता बताई गई है कि हो ना हो दो बिंदिया होगी ऐसी। देखिए, दू प्लस ये बिंदिया है दो, इसलिए आप कह सकते हो कि विसर्ग संधि है दू विसर्ग प्लस शासन दुशासन, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि यानी कि देखिए मन मनोधन, ये आप देख सकते हो विसर्ग है प्लस अयोग मनोयोग, यानी कि आपकी कौन सी संधि है, चार नंबर राइट ऑप्शन है। योगाभ्यास में कौन सा संधि है। तो दोस्तों, योग धन अभ्यास है, योगाभ्यास दीर्घ संधि, क्योंकि दोस्तों योगाभ्यास। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, सूर्योदय में साफ सुथरी बात है दोस्तों, लाडलो गुण संधि होगी। अगला सवाल है, अहोरात्र शब्द में का संधि विच्छेद कीजिए। अपने को करना अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद। तो अहन मन रात्रि, अहन प्लस रात्रि, प्लस को संस्कृत के अंदर धन बोलते हैं लाडलो। विसर्ग संधि का उदाहरण लिखिए। देखिए दोस्तों, विसर्ग मतलब कि क्या आएगी, दो बिंदी आएगी, मन प्लस अस्ताप, मन प्लस स्ताप, मन विसर्ग अस्ताप, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा, दूसरा राइट आंसर। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य धन आग्रह, सत्य आग्रह। तो देखिए, सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य प्लस आग्रह, आपका राइट आंसर हुआ विसर्ग संधि। अगला सवाल है, गुण संधि का उदाहरण कीजिए। गुण, आपको गुण बताना है, महोत्सव महोषधि अन्वेषण गायन, गुण संधि। देखिए दोस्तों, पहला महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव गुण संधि, राइट आंसर बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए, तीन तो उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण है, सदा प्लस आचार, सद प्लस आचार, सदाचार, राइट आंसर व्यंजन संधि। अगले सवाल और भी डिस्कस करेंगे, पार्ट टू की क्लास भी करेंगे, उससे पहले डाउटनेट डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, दो सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका उम्र का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपीबीआर महाराष्ट्र राजस्थान एमपी अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 टू 12th आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्लास 9 से लेकर 12th वालों के लिए चलाई जा रही है डाउटनेट पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का विश्वास, डाउटनेट ऐप आज ही डाउनलोड करें, अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो बच्चों, अगले सवाल सॉल्व करते हैं। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। यानी कि तीन ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद गलत है और एक ऐसा शब्द है जिनका संधि विच्छेद सही है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, देवी प्लस अवतरण देवयत्रण, सत प्लस मार्ग सदमार्ग, दू प्लस अवस्था दुरावस्था।
तो दोस्तों बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूसरा, देवी प्लस अवतरण देवियतरण। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, यानी कि दोस्तों अपने को ऐसे शब्द का चयन करना जिसका संधि विच्छेद सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दूसरा, विचाराधीन, विचार प्लस अधीन, बिल्कुल राइट जवाब। दोस्तों बहुत जल्द हमारे चैनल के द्वारा इसकी पार्ट टू भी क्लास करवाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।